सतनाम सत साहिब। गीता जी के अनुसार हम परमात्मा को यानी उस परम आत्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात उसको हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब ध्यान योग के द्वारा हम उसमें मिल जाएं, तभी तो हम उसको प्राप्त करते हैं। वो आपसे मिलने नहीं आएगा, या आएगा तो शब्द धुन रूप से आपके पास आएगा। तो हम उसमें कैसे मिलते हैं, और वो एक ही तरीका ध्यान योग साधना। तो गीता जी के अध्याय 3 का 19वां श्लोक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण अपने व्यवहार कर्म में कर। क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। तो यहाँ जो आसक्ति है उसको देखना है कि हमारी आसक्ति संसार में नहीं होनी चाहिए, हमारी आसक्ति घर में नहीं होनी चाहिए, हमारी आसक्ति किसी एक नाम और रूप में नहीं होनी चाहिए। यानी सभी तरह की आसक्ति, यानी जो हमारा मन है वह किसी एक निश्चित रूप में नहीं रमना चाहिए, या किसी एक नाम में नहीं रमा हुआ होना चाहिए। जैसे आसक्ति ऐसे देखने को मिलती है, मान लिया कोई हिंदू व्यक्ति है और वह उसको राम शब्द या कृष्ण शब्द सबसे विशेष प्रिय है। यदि उसके सामने आकर के ईसा मसीह का शब्द ले लिया जाए या अल्लाह का शब्द पुकारा जाए, तो उसके मन में एक जो है घृणा उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, ये एक आसक्ति है, यानी ये नाम की आसक्ति है और रूप की आसक्ति ऐसी होती है। मान लीजिए कोई हिंदू व्यक्ति है और उसको जो है उसके सामने कोई गणेश जी का जो रूप दिखा दिया जाए, और फिर जो है उसके सामने कोई दूसरा रूप प्रस्तुत किया जाए कि इसके द्वारा भी ऐसे ही हो सकता है, तो वह व्यक्ति के मन में जो क्या घृणा उत्पन्न होती है। तो इसे रूप की आसक्ति कहते हैं, कि हमारा मन जो है एक निश्चित रूप में सेट किया हुआ है हमने, तो यह आसक्ति होगी। एक दूसरी आसक्ति हमें घर में भी देखने को मिलती है, जिसे हम मोह कहते हैं, यानी अपने बच्चों के प्रति आसक्ति। लेकिन यहाँ क्या कहा, यदि हमारी ऐसी आसक्ति है बच्चों की या नाम व रूप में आसक्ति है, तो इसे मोह कहते हैं, मोह। तो क्या कहा, आसक्ति रहित होकर, यानी तुम्हें घर में रहते हुए भी जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, जो संबंध आपको मिले हैं, मान लिया आपका कर्तव्य कर्म माँ के प्रति या पिता के प्रति जो है उसको निष्काम भाव से करिए, कोई एहसान नहीं आप कर रहे। बच्चों के प्रति जो आपका कर्तव्य कर्म है, उनको शिक्षित करना, कपड़े देना, भोजन की व्यवस्था करना, ये आपका कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं है, तो इसको निष्काम भाव से करिए, तो उसी को समर्पित होते हुए करिए। और गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही है। यानी यदि कोई व्यक्ति संसार छोड़कर चले जाता है, संन्यास धारण करता है और कर्म नहीं करता, तो उसे मुक्ति मिलनी असंभव है, क्योंकि गीता जी में कहा तेरा कर्म करने में ही कर्म है। यानी इसे कैसे करना है, बस यह देखना है, इसे निष्काम भाव से करना है। अब क्या कहा गया इसी श्लोक में, मा फलेषु कदाचन, कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। यानी जो तुमने कर्म किया माँ के प्रति, पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, या किसी दूसरे अन्य व्यक्ति के प्रति आपने दान किया, पुण्य किया है, तो उसका कर्म का अधिकार तुम्हारा नहीं है। और जो व्यक्ति कर्म का अधिकार जानता है कि मेरे द्वारा हुआ, तो उसे जो है उस कर्म का फल मिलेगा, अर्थात उसका फल मिल, अगर यदि अच्छा किया है तो स्वर्ग में जाकर फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा उसको, यानी जब तक कर्म फल है उसको स्वर्ग में भोगने के बाद फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा उस आत्मा को, तो यानी उसका आवागमन चलेगा। तो कर्म करने के लिए क्या कहा, कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है, यानी उसी को समर्पित करते हुए निष्काम भाव से कर्म करिए, जो भी संसार के जिस संबंध के साथ आपका कर्तव्य है उसे निष्काम भाव से करिए। माँ कर्म फले हेतुर्भ्य, तू कर्म फल का हेतु मत बन, यानी उसका आलंबन जो है कि ये मेरे द्वारा हुआ है उसका हेतु मत बन। माते संगो
अस्त करुमणि, तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। यानी कोई संसार छोड़कर संन्यास ग्रहण करता है और सोचता है कि मैं उस ईश्वर को प्राप्त कर लूँगा, तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे कि तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। यानी कर्म करिए, लेकिन कर्म कैसे करना है? निष्काम भाव से। और हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम मंदिरों में भी जाते हैं, एक निश्चित हमारी आसक्ति कहाँ है? मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में। यानी हमारे सभी धर्मों की आसक्ति हो गई है, यानी हम कहीं भी आसक्ति रहित नहीं है कोई भी व्यक्ति संसार में, तो हम एक आसक्ति के साथ बंधे हुए हैं। या फिर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यह होना चाहिए, आप जहाँ पर भी हैं आप वहीं उस मालिक को देखिए, तब आसक्ति रहित है। तो हमारे संसारिक व्यक्तियों की आसक्ति कहाँ पर है? या तो एक निश्चित मंदिर में है कि वहीं जाकर मांगेंगे तो हमें मिलेगा, या वहीं जाएंगे मंदिर में जाएंगे तो हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, या चर्च में जाएंगे तो परमात्मा ईश्वर परमेश्वर को प्राप्त करेंगे, या मस्जिद में जाएंगे तो वहीं अल्लाह को प्राप्त होगा। तो क्या कह रहे हैं कि हमारी आसक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात एक हो रहा है, जो मंदिरों में या मठों के जो नेतृत्व करते हैं, जो मठाधीश हैं, उनकी आसक्ति क्या है कि यदि कोई व्यक्ति आ रहा है तो वह क्या चढ़ावा चढ़ा रहा है, कितने पैसे दान कर रहा है, उसकी आसक्ति धन में है या संपत्ति में है। तो जहाँ इस तरह की आसक्ति होगी वहाँ पर वो व्यक्ति ना तो परमात्मा का रास्ता बता सकता है और ना स्वयं भी वहाँ तक जा सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि हम इस आसक्ति को कैसे ख़त्म करें। गीता जी के अनुसार, गीता जी जो है यानी सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ध्यान साधना के लिए, इसमें विशद वर्णन यानी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है ध्यान योग साधना के लिए। और ध्यान योग साधना की जब हम अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं, अर्थात जिसे गहन समाधि कहते हैं या भगवान श्री कृष्ण जी जिसे योग युक्ति कहते हैं, संतों की भाषा में उसे सुरत और शब्द का योग कहते हैं, हिंदू धर्म में आत्मा परमात्मा का मिलन कहते हैं, और इस्लाम धर्म में कुन या कलमा से पल्ला का विशाला करना कहते हैं, और ईसाई धर्म में इसी चीज़ को वर्ड ऑफ लोगोस या होली घोस्ट से विशाला करना कहते हैं। तो यह ध्यान साधना की जब अंतिम अवस्था प्राप्त होती है, अंतिम अवस्था होती है गहन समाधि योग युक्ति, यानी तब वहाँ पर किसी भी तरह की आसक्ति नहीं रहती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। यानी ना तो वहाँ किसी एक नाम में आसक्ति होती है, ना वहाँ किसी एक रूप में आसक्ति होती है, ना वहाँ किसी धन संपत्ति में आसक्ति होती है, ना वहाँ संसार में आसक्ति होती है, ना वहाँ जो संसारी के घर के बंधन या संबंध है ना उनमें आसक्ति होती है, वह उनमें भी उस मालिक को ही देखता है। सभी संसार के प्रत्येक व्यक्तियों में गहन समाधि में पहुंचकर सम्यक दृष्टि आ जाती है। तो हम गीता जी के अनुसार जो एक मनुष्य जन्म का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना और परमात्मा की प्राप्ति करना, इस श्लोक के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति कौन प्राप्त करता है? जो आसक्ति रहित है। और यह कैसे मिलती है? ध्यान साधना से। तो हम ध्यान साधना करें, अपना समय ऐसे व्यतीत न करें, और यह घर पर रहकर भी किया जा सकता है। सतनाम सत साहिब।